इसकी खासियत क्या, विमान में आपको गदाधारी हनुमान जी की तस्वीर पीछे नजर आ रही है। बजरंग बली अपने तेज के लिए जाने जाते हैं, अपने तेवरों के लिए। पवन पुत्र की तरह ही बेहद तेज है ये विमान भी। और फोटो में आपको नजर आ रहा है, फोटो के साथ लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। तो ये दुश्मनों के लिए तूफान से कम नहीं। नेक्स्ट जनरेशन सुपर सोनिक ट्रेनर जेट है और अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग सूट से लैस है। ये सूट ट्रेनिंग के दौरान सुरक्षा करेगा। HLFT 42 का लक्ष्य है पांचवी पीढ़ी के पायलट तैयार कर पायलट को ट्रेन करेगा। स्पेस सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में सक्षम है, यानी जो संदिग्ध होगा उसे पहचानने का, कठिन हालात में हमला करने में भी सक्षम है। ये इसकी खासियत है। और हमारी सहयोगी सलोनी की रिपोर्ट देखिए, जो इस विमान के नजदीक तक पहुंची इस फाइटर के, और हनुमान जी की जो तस्वीर वो भी आपको दिखा रही है। एयर इंडिया 2023 में ये एयरक्राफ्ट जो कि HAL ने बनाया है, HLFT 42 सुर्खियां पर डोरा खास वजह है इसकी डिजाइन, और पीछे बने हनुमान जी की जो प्रतिमा है जिसमें लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है, इसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। इसके और स्पेसिफिकेशन समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर सर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिजाइन किया गया HAL की तरफ से, इंडिजिनियसली मेड है, इंडिजिनियस डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर सब कुछ इंडिजिनियस। HLFT 42 काफी बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है, इसके पीछे एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है छोटी सी, और उसमें लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग। तो उसका क्या इंस्पिरेशन है, क्या ये ऐड करने के पीछे द स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग। HAL ने बहुत ब्यूटीफुल एक डिजाइन किया था, फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने डिजाइन किया था, उसका नाम था HF-24 मारुत। मारुत का मतलब विंड, विंड का मतलब पवन, और पवन पुत्र आपको दिख रहे हैं आपके सामने, एलसीए छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, और दिस इज आवर इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ, करेज, विल, एवरीथिंग। जब ये तैयार है तो ये इमेज हमें दिखेगी इस एयरक्राफ्ट, आपको प्रोटोटाइप में जरूर दिखेगी, बाकी उसके बाद हम एयरफोर्स में देखते हैं कैसे उसे यूज करेंगे। डेफिनेटली इट विल हैव द सेम स्ट्रेंथ एंड विल ऑफ आवर इमेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो आज खुद बेंगलुरु पहुंचे एयर शो में शामिल होने के लिए, और पूरा एयर शो भारत की ताकत आसमान में गरजते विमान उन्हें अपनी नजरों से देखा, और तालियां भी प्रधानमंत्री बीच बीच में बजाते रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, एयर शो ये आप देख रहे हैं, भारतीय फाइटर्स को आसमान में आप देख रहे हैं, ये ताकत भारतीय फाइटर्स भारतीय आसमान में दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये भारतीय हेलीकॉप्टर्स ये देख रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो इस गर्जना से दुश्मन जो है परेशान हो रहा, दुश्मन की नींद उड़ा रही थी ये ताकत। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, पुलिस लीजिए जरा, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रहा है कि भारत की ताकत वायुसेना के मामले में क्या, भारत आज कहां पहुंच चुका है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने आखिर क्या हासिल कर लिया। ये देखिए, ये भारत की असली ताकत खुद बयान कर रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक वो विमान जिस पर सबकी नजर, बहुत खास ये आप देख रहे हैं, ये फाइटर जो आप नजर आ रहा है वो इसमें खासियत क्या है, ऐसी क्या चीज थी जो सब देखना चाहते थे, वो थी ये तस्वीर जो इसकी टेल पर इसकी पूंछ पर लगी। अगली तस्वीर दिखाई जा रही है, आप देख रहे हैं ये उस फाइटर की पूछ है, और इस पूछ पर देखिए जरा हनुमान जी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं हनुमान जी गदा लिए हुए और दोनों हाथों से गदा उठाए हुए हैं, ये इसकी पूछ पर तस्वीर थी, पुलिस को लीजिए जरा, और पीछे लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, ये देख रहे हैं, ये है जहाज की पूछ और उस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी गदे के साथ, हनुमान जी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या बना हुआ है।